हेलो दोस्तों, रोशन गुप्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त रोशन। जैसा कि ये एक नया अपडेट आया हुआ है, जैसा मैं इसके बारे में बहुत पहले आपको बता चुका हूँ वीडियो में, तो ये आया है ऑब्जेक्शन के लिए। आंसर की जो है आप लोगों का आ चुका है, जो भी एग्जाम हो चुका है 21 अगस्त से 25 अगस्त के तक जो जिसका एग्जाम हो चुका है, एसी का और जैसे LSBPA का बहुत सारा अकाउंटेंट वगैरह का एग्जाम जो हो चुका है, उसका जो है आंसर की आ गया है। तो आप जो है उसमें कोई भी आंसर यदि गलत है, उसका ऑप्शन यदि गलत है, तो आप जो है ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, अपना आंसर की जो है अपना क्वेश्चन जो है क्या यहाँ पूछा गया वो डाउनलोड कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। तो किस तरह से है, यहाँ पे जैसे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ डाल के जिस तरह से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे उस तरह से कीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आएगा, इस तरह से खुलेगा, तो यहाँ एक डाउनलोड का ऑप्शन दिया जाएगा। तो इस तरह से आप डाउनलोड कर लीजिएगा अपना क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन, मान के चलिए ये क्वेश्चन गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन आईडी जो यहाँ पे देखिए गलत दिया है, या क्वेश्चन आईडी जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन गलत है मान के चलिए। तो कैसे हमको ऑब्जेक्शन करना है, तो यहाँ पे जाइएगा, फिर यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी दिखेगा कौन सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वो सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ऑल क्वेश्चन आर इनकरेक्ट, ऑल ऑप्शन आर इनकरेक्ट, या यहाँ पे दिया मोर देन वन ऑप्शन आर करेक्ट, जो आपको उसमें लग रहा है वो यहाँ पे सेलेक्ट करके जो है, यहाँ पे दिया है देयर इज ए फैक्चुअल डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश एंड हिंदी, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यदि अलग अलग क्वेश्चन लग रहा है, मतलब अलग अलग निकल रहा है, तो ये ऑप्शन है आपको, मतलब जो क्वेश्चन में लग रहा है कि ये चीज गड़बड़ है, तो यहाँ पे ऑप्शन डाल के सबमिट करना है, ठीक है। यदि आप उससे रिलेटेड यदि लग रहा है ना ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन गलत दे रहा है, यदि आप कहीं पढ़े हुए हैं, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे डाल के स्क्रीनशॉट वगैरह या पीडीएफ, जो भी है यहाँ पे आप जेपीजी ही बोला जा रहा है, यहाँ पे जेपीजी में बोला जा रहा है, पीडीएफ नहीं डाल सकते हैं, जेपीजी में फोटो खींच के जो है अटैच कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पढ़ा है और ये चीज यहाँ पे ये आंसर दिया हुआ है। तो इस तरह से आप जो है अटैच करके उसको सबमिट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन पे अरेज कर सकते हैं अपना ऑब्जेक्शन। तो इस तरह से करना है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग किस तरह से करना है, कैसे ऑब्जेक्शन करना है, इस तरह से करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जैसा कि जो भी एग्जाम हुआ था अभी उसका आंसर की आ गया है, तो आप आंसर की जो है डाउनलोड कर सकते हैं, और आंसर की जो है मेरे मेल आईडी roshan.smile@gmail.com पे जरूर भेजिएगा। मैं उसका सोल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका दूंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग अपना जो है जरूर शेयर कीजिएगा अपना आंसर के, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।